अब की बार 400 पार। 400 पार हो जाए? 401 हो गया। क्या कह रही है मैम? 500 पार। 500 पार। नीतीश कुमार 4000 पार कह रहे हैं। अरे और अच्छा है, सोने पे सुहागा। शेर आया, शेर आया, प्रधानमंत्री शेर है, एकदम शेर है। बिहार में 40 के 40 सीट लेंगे, इसमें एक भी कम नहीं होने वाला। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, पटना में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, और इतिहास में पहली बार रोड शो किसी देश के प्रधानमंत्री के द्वारा पटना में किया जा रहा है। उनका काफिला जो है पटना के बाकरगंज पहुंच चुका। काफ़ी लंबे समय से लोग इंतज़ार कर रहे थे, लोग मौजूद थे, और बिहार का एक बड़ा सोना मंडी ये पटना का बाकरगंज माना जाता है। बड़े बड़े कारोबारी यहाँ रहते हैं। बात भी करेंगे। सर, क्या नाम हुआ था? राजेश। कितने देर से इंतज़ार कर रहे हैं? हम तो करीब दो एक बजे दोपहर से ही इंतजार करें। दोपहर से एक बजे से सब कर रहे हैं। आपके साथ आपके फैमिली के भी? फैमिली, सब फैमिली मेंबर्स लोग रहते हैं। क्या लग रहा है 24 का माहौल देख के, क्या लग रहा है, हवा किसकी तरफ? आपकी बात 400 पार। ये मोदी को आपने देखा पहली बार? देखा पहली बार, हम नजदीक से देखे, इतने नजदीक से। इस बार 400 पार होने वाला है? 400। लेकिन जॉब शो भारी पड़ रहा है, क्या रहे तेरे? नहीं, जॉब शो है, सब अपना अपना स्किल है, लोग स्किल डेवलप कीजिए। सरकार सबको जॉब नहीं दे सकती है, 140 करोड़ जनता को जॉब नहीं दे, अपना अभी स्किल डेवलप करना चाहिए। आप लोग तो बड़े कारोबारी हैं, सोना का काम करते हैं आप लोग, क्या लगता है बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार या ठीक थी 17 महीने जो भी रहे, या फिर नरेंद्र मोदी के साथ जो बीजेपी नीतीश कुमार और ये नरेंद्र मोदी की सरकार सही है? बिहार में एक बार बीजेपी का सरकार आना बहुत जरूरी है। हाँ। फुल फेज में। हाँ। चलिए, तो और भी लोग हैं, कितने देर से खड़े थे सर? 4 बजे से। 4 बजे शाम से? हाँ जी। फैमिली के भी लोग आपके थे? हाँ, हमारे सारे सहयोगी लोग हैं और हमारे मित्र के हैं, बाकरगंज के लोग। प्रधानमंत्री जी को आपने देख लिया? प्रधानमंत्री को देख लिया। क्या कैसा लगा, कैसा फील हुआ भाई पहली बार देखने के? हाँ, पहली बार देखा, बहुत अच्छा लगा, और लगता है कि इस रोड शो की वजह से पटना में, बिहार में 40 में 40 आना चाहिए। 40 में 40 इस बार आना चाहिए। जॉब शो जो तेजस्वी कह रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां। देखिए, जॉब शो मुद्दा वैसा नहीं है, इसलिए कि पहले जो हमारी महिलाएं हैं वो अशिक्षित थी, तो महिलाओं ने भी जॉब हमारा जेंट्स से महिलाओं में भी हमारा जॉब गया है, तो उस वजह से लग रहा है कि जॉब में दिक्कतें आ रही है। पहले महिलाएं को जॉब नहीं मिलता था, अब पढ़ी लिखी नहीं होती थी, अब पुरुष के बराबर महिलाएं पढ़ लिख रही हैं, तो बराबर जॉब उनको मिल रहा है, इसलिए लोगों को लग रहा है कि हमारे जो जेंट्स मेंबर हैं उनको जॉब नहीं मिल रहा। 400 पार है? 400 पार लगना चाहिए। क्या कह रहे हैं? अब की बार 400 पार। 400 पार हो जाए? 401 हो गया। क्या कह रही है मैम? 500 पार। 500 पार। नीतीश कुमार 4000 पार कह रहे हैं। अरे और अच्छा है, सोने पे सुहागा। आप पहली बार देखी? मोदी जी प्राइम मिनिस्टर को पहली बार देखी आप? यस। कैसा लगा? बस ब्लेस फील कर रहे थे दम। एक्चुअली मैं राम मंदिर गई थी, तब से आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ हिम। अच्छा, मतलब श्री राम का जो प्यार है मेरे राम को, वो उनको घर दे दिए, उससे बड़ा और क्या चाहिए? उससे बड़ा कुछ नहीं चाहिए। लोग उन्हीं के पक्ष में इस बार वोट कर रहे हैं 24 में। बिल्कुल। क्या लगता है सर, पहली बार आपने देखा है प्राइम मिनिस्टर को पटना में इस तरीके से? इनसे पहले हम अहमदाबाद में मिल चुके हैं। अच्छा, पहले मुलाकात? मिल चुके हैं, बहुत तमन्ना था, काफ़ी दिन के बाद पटना में फर्स्ट टाइम आए हैं, और बहुत खुशी हुआ, बिहार के लिए बहुत गर्व की बात है कि पटना में आए और हम लोग को बिहार वासी को नए मुकाम पर ले जाएंगे। अब की बार तीसरी बार हमारी मोदी सरकार आ रही है, इसमें दो मत नहीं है। धन्यवाद। भावुक हो रही है क्या मैम? क्यों बताइए? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उनसे मिलके। मिलके मतलब भावुक आपका जो है वो सीधे तौर पर राम मंदिर जो बन गया उसके लिए बहुत प्राउड फील कर रही है। मतलब सालों का जो मेहनत था वो प्रधानमंत्री ने करके दिया। बिल्कुल, उन्होंने जो कहा अब तक, उन्होंने जो कहा वो किया, वो कर्म पर विश्वास करते। वादे तो बहुत लोग किए, वादा सब कोई करके जाता है, लेकिन इन्होंने करके दिखाया सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगता है कि इस बार 400 पार, 500 पार मैम, हम लोग अब जग गए हैं, और जो भी होगा अच्छा ही होगा, अच्छे की उम्मीद पर हम लोग जिंदा हैं, और आगे भी सोचेंगे कि अच्छा ही होगा। तीसरी टर्म पे आ रहे हैं, पूर्ण विश्वास है, इसमें दो मत नहीं है। देखिए, तो 400 पार इस बार होना है। आप लोग शेर आया का नारा लगा रहे थे, अब की बार 400 पार। शेर आया। प्रधानमंत्री शेर है, एकदम शेर है। सामने सामने चूहा है, चूहा। चूहा कौन है? उसके सामने जितना है पॉलिटिक्स में। बाकी मोदी अकेला ही शेर है। पहली बार देखे मोदी जो सब पे अपने आप में पंजा मारने में सबसे सक्सेसफुल आदमी है। पंजा मारते जी, अब मारेंगे भी। आपके 800 पार भी रहता ना तो पार होता। इस बार पार हो जी, ओनली फॉर बीजेपी। नीतीश कुमार और मोदी जी को देखकर नहीं लगा कि राम लक्ष्मण वाली जोड़ी?
नहीं ऐसा तो नहीं, मगर योगी रहता तो और पावरफुल होता। अच्छा। योगी जैसा कोई है नहीं, माने तो योगी और मोदी राम लक्ष्मण है। कितना पार है इस बार बिहार में? 400 तो बिहार में 40, बिहार में 40 के 40 सीट लेंगे, इसमें एक भी कम नहीं होने वाला। हमने कुनवा लंबा है। अरे वो रहने के क्या बात है, जात पे तो सब कोई जाता है, मगर जो काम करता है उस पे जाता है आदमी। हाँ, जाति पे नहीं जाना चाहिए, यहाँ पे जो कार्य करता है उस पे जाना चाहिए। राजद कांग्रेस से सामने तेजस्वी है, लालू है, बड़ा कुनवा है, राहुल गांधी है, मोदी को झुकाने में लगे, झुकेंगे कि नहीं? कभी नहीं, कभी नहीं। इस बार मोदी ही बनेंगे, चाहे जैसे बने लेकिन मोदी आएंगे। एक छोटा सा परिवार है वाइफ को लेकर, कितने देर से? 2 घंटा से खड़े थे। 2 घंटे से खड़े थे, देख लिया? देख लिया, पहली बार मोदी जी को देख। क्या कह रहे भैया? क्या कहना सर, जो राम के लाए हैं हम उनको लाएंगे, राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं। चक्कर में क्यों पड़े हो? चक्कर में कोई नहीं है, चक्कर में खाली कर दो रास्ते मोदी के वास्ते, खाली कर दो रास्ते मोदी के वास्ते। इनसे 2 मिनट और मिली है, ये मोदी भक्त है, इनसे मिली है। मोदी भक्त है जी? पीएम मोदी में क्या ऐसा नजर आता है? मोदी जी बहुत कुछ किए हैं। क्या किए बता दो? आज भारत का नाम हुआ है, पूरा विश्व भारत का नाम ऊंचा हुआ है। कोई नहीं है, और कोई नहीं किया? हाँ, और कोई नहीं किया? कोई नहीं। लालू जी सामने में, लालू जी बोलिए। कुछ नहीं, कुछ नहीं, नहीं। टक्कर में लालू जी का नाम सुन के शांत का हो गया? नहीं नहीं, शांत का नहीं, कुछ नहीं किया। कौन सी करेगा? कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री और लालू जी फर्क नहीं है सर? आसमान और जमीन का फर्क है। आसमान जमीन का फर्क जी? आसमान और जमीन का फर्क है, मतलब बराबर में नहीं? मोदी जी और लालू जी फर्क नहीं, बराबर में नहीं आ सकते। प्रधानमंत्री को देखा? हाँ, बहुत बढ़िया। कितने देर से खड़े थे? बहुत, करीब 3 घंटा से खड़े थे। बैग लेके आ रहे हो? कौन है इस बार प्रधानमंत्री? कौन क्या 24 में कौन है? मोदी जी फिक्स है। मोदी मोदी, देखो जैसे राम जी है हमारे दिल में, वैसे मोदी जी हमारे कन कन में है। हैट्रिक हम लोग लगा दिया है मोदी जी को, हैट्रिक चले जाते हैट्रिक मोदी जी, हैट्रिक मोदी जी। इस बार भी मोदी जी 400 पार। 15 साल में काम किया है मोदी जी, बहुत बढ़िया काम किया। लालू जी तेजस्वी सबसे बड़ी, एक मिनट सबसे भैया, एक मिनट रुको भाई। सबसे बढ़िया काम उन्होंने बॉर्डर पे किया है, जो सेना वहाँ गाड़ी लेके नहीं जाती थी, आज हमारे बॉर्डर पे गाड़ी जा रही है, टनल बन गया, एक से एक टनल मोदी जी का। जब वो आए तो यहाँ पे नारा लगने लगा था, शेर आया, शेर है, सही बात है, सही है, शेर है, श्री राम है, श्री राम है। वो शेर नहीं, हमारे लिए भगवान है। भगवान जी? बिल्कुल, भगवान श्री रामचंद्र है वो जी, श्री रामचंद्र जी, राम जी से बढ़ के है। लालू जी तेरे मोदी, लालू जी कुछ नहीं, रैली कर रहे, कह रहे जो नहीं है टक्कर में मत पड़ो, चक्कर में से पार। कितना पार? 400 से पार। अब की बार तेजस्वी सरकार सबसे अलग। हम लोग भी यादव है लेकिन मोदी जी को वोट देंगे। एक मिनट फिर से बोलिए। हम लोग भी यादव है लेकिन मोदी जी को वोट देंगे। लालू जी कहते हैं कि यादव हमारे खुटा से बना हुआ, कुछ खुटा से नहीं बना हुआ यादव जी, इस बार मोदी जी के सिखाने हैं। क्या समझे, मोदी जी का फिक्स है, मतलब आप लोग भी बिल्कुल। क्या अभी के जमाना में कोई गुलाम है क्या? कोई गुलाम नहीं है। यादव सर, यादव जो आदमी है वो मोदी का वोट नहीं देगा क्या? आप लोग तो युवा है, नौकरी तेजस्वी जो गुण गा रहे हैं, लग रहा है कि नौकरी पे युवा भरोसा। नौकरी ये माननीय नरेंद्र मोदी की देन है। नीतीश कुमार बिहार में जी, तेजस्वी दिए, नीतीश कुमार जी दिए, तेजस्वी जो कर रहे 17 महीने में, तो हम ना थे, हम से थोड़े हो जाते हैं। तेजस्वी सरकार में कब थे कि डिप्टी सीएम थे? डिप्टी सीएम से कहा हो जाएगा, सीएम नीतीश कुमार है और ड्यूटी सीएम तेजस्वी, उसके पास नौकरी है कि दे देगा? बड़े मन से जो गिना, मंत्री गिनाने से कहा हो जाएगा? अरे कुछ नहीं है, सत्ता में नीतीश कुमार है तो नीतीश कुमार नौकरी देगा? मुख्यमंत्री के पॉसिबल नहीं है। फिर बिना मुख्यमंत्री का पॉसिबल कैसे है? तेजस्वी कह देगा नौकरी हम दिए हैं और सीएम नीतीश कुमार है तो नीतीश कुमार नौकरी जी। कितना मोदी जी नहीं है तो पूरा वर्ल्ड में मोदी नौकरी देता है? पूरा वर्ल्ड में मान लीजिएगा, पूरा वर्ल्ड में मोदी है तब ना जैसे बिहार स्टेट चल रहा है। सीएम होता है किस पे? जब तक मोदी, जब तक जैसी नहीं रहेगा तो सीएम ऐसे रह जाएगा। एकदम बिल्कुल 400 का। देखिए पीएम मोदी को देखने के बाद युवाओं का जोश हाई हो चुका है और 400 पार का नारा लगा रहे हैं। जब पीएम मोदी इस जगह पर पहुंचे तो शेर आया के नारे से इस पूरा बाकरगंज का इलाका गुंज उठा था। बहरहाल इसको बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव चिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव चिटीज को सब्सक्राइब कर लें।